दोस्तों, आहार के विषय में महर्षि चरक का एक दृष्टांत बहुत ही सुंदर है कि एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से पूछा, कोरुक कोरुक कोरुक, यानी कौन रोगी नहीं अर्थात स्वस्थ कौन है। तो महर्षि के प्रबुद्ध शिष्य बाघभट्ट ने उत्तर दिया, हितभुक मितभुक और ऋतभुक, हितकारी भोजन करने वाला और उचित मात्रा में भोजन करने वाला और ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। अपनी प्रकृति वात पित्त कफ को जानकर उसके अनुसार भोजन लें। आहार से मनुष्य का स्वभाव और प्रकृति तय होती है। शाकाहार से स्वभाव शांत रहता है। मांसाहार मनुष्य को उग्र बनाता है, दुराचारी व्यभिचारी पापी बनाता है। यदि वात प्रकृति है या शरीर में वायु विकार होते हैं तो चावल आदि वायु कारक एवं खट्टे भोजन का त्याग कर देना चाहिए एवं छोटी पिपली सौंठ अदरक का प्रयोग करते रहना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले को गर्म तले हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए एवं घिया खीरा ककड़ी आदि कच्चा भोजन लाभदायक होता है। कफ प्रकृति वाले को ठंडी चीज़ें चावल दही छाछ आदि का सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। ऋतु के अनुसार पदार्थों का मेल करके सेवन करने से रोग पास में नहीं आते। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। असमय किया हुआ भोजन पचता नहीं है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। प्रातःकाल 8 से 9 बजे के बीच हल्का पेय व फल आदि लेना अच्छा होता है। प्रातःकाल में अन्न का प्रयोग जितना कम हो शरीर के लिए उतना उत्तम होता है। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सुबह अन्न न खाएं तो अच्छा है। दोपहर में 11 से 12 बजे भोजन लेना उत्तम है। 12 से 1 बजे का समय मध्यम, उसके बाद उत्तरोत्तर निकृष्ट माना जाता है। सायंकाल 7 से 8 का समय उत्तम है और 8 से 9 का समय मध्यम और 9 बजे के बाद वो निकृष्ट है, यानी अच्छा नहीं होता है। भोजन करते समय वार्तालाप ना, अगर आप भोजन करते समय वार्तालाप करते हैं तो भोजन अच्छी तरह से चबाया नहीं जाता है तथा अधिक भी खा लिया जाता है और चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। एक ग्रास को 32 या कम से कम 20 बार तो चबाना ही चाहिए जिससे चबाया हुआ भोजन पच सके, और चबाकर भोजन करने से हिंसा भाव की भी निवृत्ति हो जाती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका तात्पर्य है, जो प्रातःकाल उठकर जलपान करता है, रात्रि को भोजन के बाद दूध पीता है तथा मध्यान्ह में यानी दोपहर में भोजन के बाद छाछ पीता है, उसे वैद्य की आवश्यकता यानी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। तो भोजन में मांस अंडे आदि का प्रयोग न करें। भगवान ने हमें शाकाहारी बनाया है, जब हम रोटी खाकर जी सकते हैं तो मांस क्यों खाना चाहिए भाई। जिसमें हिंसा नहीं है तो किसी प्राणी की हत्या करके उसके प्रिय जीवन को समाप्त करके बेजुबान जानवरों की हत्या करके जीने की क्या आवश्यकता है। इस जीने से तो मर जाना बेहतर है। मांस खाने से दया करुणा सहानुभूति प्रेम अपनत्व एवं श्रद्धा भक्ति आदि मानवीय गुणों का और संस्कारों का अंत हो जाता है। इसलिए मनुष्य मानव दानव होकर विचरता है। मांसाहारी का पेट एक मुर्दा घर की तरह होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग मांसाहार ना करें, दूसरों पर दया करें, अहिंसावादी बने और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।